दुर्भाग्य ने अभी तक चौकाघाट फ्लाईओवर का पीछा नहीं छोड़ा। जिस पुल को अंग्रेजों द्वारा वाई शेप में बनाना था वह अब तक नहीं बन पाया है। आज स्थिति यह है कि कैंट स्टेशन से विद्यापीठ जाने वाली रोड पर कई खंभे ठूट की तरह खड़े हैं, जिन खंभों को फ्लाईओवर का बोझ उठाना था पोस्टर चिपकाने के काम आ रहा है। काम रुका पड़ा है, यह कब शुरू होगा कोई बताने वाला नहीं है। चौकाघाट फ्लाईओवर की लंबाई करीब 1800 मीटर है। यह चौकाघाट में संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहरतारा तक जाता है। उम्मीद थी कि इसके बनने के बाद रोडवेज से लेकर कैंट रेलवे स्टेशन तक रोज लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जाम बदस्तूर कायम है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। इस बर्बादी के पीछे सेतु निगम और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की समान भूमिका है। इस फ्लाईओवर का निर्माण मायावती शासनकाल में शुरू हुआ था। पहले इसे चौकाघाट से शुरू होकर कमलापति स्कूल तक जाना था, लेकिन यह डिजाइन दोषपूर्ण थी क्योंकि इससे जाम की समस्या हल नहीं होती। फिर जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई तो इसकी डिजाइन दोबारा बनी। फ्लाईओवर को बढ़ाकर न केवल लहरतारा तक कर दिया गया बल्कि इसकी एक शाखा काशी विद्यापीठ रोड पर भी उतारने का फैसला हुआ। लेकिन फ्लाईओवर निर्माण की गति अत्यंत धीमी थी। इस फ्लाईओवर को 30 माह में बन जाना था, लेकिन यह कई डेडलाइन पार कर गई। इसी दौरान प्रदेश में योगी सरकार आ गई। सेतु निगम पर जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने का दबाव था। इसे काम जल्दी पूरा करने का दबाव कहे या कर्मचारियों की लापरवाही की, 15 मई सन 2018 को एक दर्दनाक हादसा हो गया। कैंट स्टेशन के पास निर्माण के दौरान फ्लाईओवर की बीम लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। नीचे गुजरने वाले कई वाहन इसके नीचे दब गए। इसमें 15 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर आए। जांच में कई अभियंता दोषी पाए गए, जिन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद फ्लाईओवर की डिजाइन पर दोबारा विचार हुआ। तय हुआ कि अब कंक्रीट की जगह लोहे की बीम डाली जाएगी। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्लाईओवर की लागत 77.41 करोड़ से बढ़कर 171 करोड़ हो गई। खैर, किसी तरह सन 2020 में फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन जिस वाई शेप में फ्लाईओवर के निर्माण की योजना थी वह पूरी नहीं हो पाई थी। विद्यापीठ रोड पर कॉलम बनाने का काम जारी था। 3-4 कॉलम आधे अधूरे ढंग से बन गए, जिसके बाद अचानक काम रोक दिया गया। कारण बताया गया कि सर्विस रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के बाद अगर जगह कम पड़ेगी तो भूमि अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन न तो अतिक्रमण हटा न ही भूमि का अधिग्रहण हुआ। मजबूरन सेतु निगम ने काम रोक दिया और सामान समेट कर चलते बने। अगर विद्यापीठ रोड पर फ्लाईओवर उतारा जाता तो यातायात की बड़ी समस्या हल होती। जो वाहन चालक अंधरा पुल से मरी माई मंदिर होते सीगरा की तरफ जाते हैं, वे फ्लाईओवर के जरिए सीधे सीगरा पहुंच जाते। देखा जाए तो शहर में चल रही अधिकांश परियोजनाओं का यही हाल है। ये न तो समय से पूरी हो रही है, न निर्माण ही गुणवत्तापूर्ण है। सरकारी अव्यवस्था और अराजकता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।